हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फॉर्फिचर के तीन टाइप्स देखने वाले हैं। तीन टाइप से शेयर फॉर्फिचर होते हैं, तो टॉपिक है फॉर्फिचर ऑफ शेयर्स। उसमें जो तीन टाइप्स हैं वो आप देखते हैं। पहला है ये सिंपल टाइप है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि मिस्टर ए हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फेल टू पे फाइनल कॉल ऑफ 30 पर शेयर। मतलब इस बंदे ने 500 शेयर्स खरीदे हैं, ₹100 का एक है, और इसने 30 रुपीज़ लास्ट का नहीं पे किया, मतलब इसने ₹70 पे किया हुआ है। तो इसके एंट्री आएगी वेन एवर शेयर्स आर फॉर्फिटेड। तो आपकी एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। नंबर ऑफ शेयर्स 500 है, तो ये 500 इंटू 100 50,000 हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर, मतलब जो पैसा उसने नहीं दिया है, तो ये 500 इंटू 30 15,000, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 35,000, इन दोनों का डिफरेंस है। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 500 इंटू 70 शेयर फॉर्फिचर, मतलब वो पैसा उसने पे किया है लेकिन वो पैसे उसको रिटर्न नहीं मिलते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट वेन एवर शेयर्स आर फॉर्फिटेड शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड। अच्छा, हाउ मेनी शेयर्स आर फॉर्फिटेड? 500 शेयर्स आर फॉर्फिटेड एंड वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹100। सो 500 इंटू 100 ये 50,000 हो जाएगा। कॉल्स इन ईयर्स, मतलब जो पैसा उसने नहीं दिया, तो यहाँ पे देखिए उसने बोला है फाइनल कॉल ₹30 पे नहीं किया, तो 500 इंटू 30 ये 15,000 हो गया। और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो शेयर फॉर्फिचर अकाउंट 35,000। नॉर्मल केस में आप ऐसे भी ले सकते हैं 500 इंटू 70 जो पैसा उसने दिया है। देन आगे क्वेश्चन में मेंशन किया है ही शेयर्स वेर फॉर्फिटेड, ये फॉर्फिटेड एंट्री हो गई आपकी, एंड लेटर ऑन बाद में आपने ये सारे शेयर्स रीइश्यू कर दिए एट ₹80 पर शेयर। आपने ₹80 में रीइश्यू कर दिए, तो आपकी एंट्री होती है वेन एवर शेयर्स आर रीइश्यूड दैट मीन्स कंपनी इज रिसीविंग द मनी, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। लेकिन ₹80 में इश्यू किया तो अमाउंट विल बी 500 इंटू 80, 500 शेयर्स आर रीइश्यूड, तो 500 इंटू 80 40,000। एंड शेयर कैपिटल हमेशा 50,000 ही रहेगा 500 इंटू 100, और जो डिफरेंस है वो शेयर फॉर्फिचर, मतलब आपने ₹100 का शेयर्स 80 में रीइश्यू किया तो ₹20 लॉस है पर शेयर। तो शेयर फॉर्फिचर विल बी डेबिटेड 500 इंटू 20 10,000, अदरवाइज इन दोनों का डिफरेंस भी ले सकते हैं 50,000 और 40,000 का डिफरेंस। देन द नेक्स्ट एंट्री वेन एवर शेयर्स आर फॉर्फिटेड, जब भी आप शेयर्स फॉर्फिट करते हैं तो शेयर फॉर्फिटेड और रीइश्यूड में जो शेयर फॉर्फिचर है इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ पे शेयर फॉर्फिचर क्रेडिट में 35,000 और यहाँ पे शेयर फॉर्फिचर डेबिट में 10,000, तो ये 35,000 और 10,000 इन दोनों का डिफरेंस आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। याद रखिए, अगर शेयर कैंसिल होते हैं और उसके बाद रीइश्यू होते हैं तो शेयर फॉर्फिचर का डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होता है। शेयर फॉर्फिचर अकाउंट आपको ज़ीरो करना होता है, तो क्रेडिट में 35,000 है और डेबिट में 10 है, और ये 25 डेबिट करके आपने शेयर फॉर्फिचर को नील कर दिया। सो लास्ट एंट्री व्हेन शेयर फॉर्फिचर इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, आपकी एंट्री होगी शेयर फॉर्फिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये बहुत सिंपल और कॉमन है। इसके बाद सेकेंड टाइप देखते हैं। इसमें मेंशन किया है मिस्टर ए हु वाज अलॉटेड 500 शेयर्स 100 ईच फेल टू पे फाइनल कॉल ऑफ 30 पर शेयर। मतलब ये लास्ट अभी जो हमने एग्जांपल देखा सेम वैसे ही है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000, 500 शेयर्स आर कैंसिल, तो 500 इंटू 100। कॉल्स इन एरियस 500 इंटू 30 15,000, और इन दोनों का जो डिफरेंस है शेयर फॉर्फिचर। तो ये फर्स्ट एंट्री लास्ट जो एग्जांपल आपने देखा सेम है, बट अब यहाँ पे थोड़ा चेंज है। वहाँ पे था कि 500 शेयर्स वेर रीइश्यूड, अब ध्यान देना यहाँ पे आपने 300 शेयर्स आर रीइश्यूड, प्रीवियस सम जैसे ही है बट यहाँ पे 300 शेयर्स आर रीइश्यूड है। तो अब बैंक अकाउंट डेबिट ये 24,000 हो गया, कैसे 300 शेयर्स आर रीइश्यूड, तो 300 इंटू 80 ये तो हो गया 300 इंटू 80 24,000, एंड शेयर कैपिटल 300 इंटू 100 30,000, ठीक है। और ये जो 6,000 है इन दोनों का डिफरेंस है, आप समझ गए होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट वेन एवर शेयर्स आर रीइश्यूड, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट। लास्ट सम में ये पूरे शेयर्स 500 शेयर्स रीइश्यू हुए थे, तो इसलिए यहाँ पे 40,000 था लास्ट सम में, बट यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हुए हैं, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड चेंज हुए हैं। तो 300 इंटू 80 आपने 24 किया, यहाँ पे 30 किया, और ये डिफरेंस है 6,000। अब ध्यान देना एक मिनट, अब जो मेन पॉइंट है वो अब आने वाला है। लास्ट सम में आपने क्या किया, यहाँ पे जो अमाउंट था 35,000 और यहाँ पे जो अमाउंट था उन दोनों का डिफरेंस आपने लिया था, बट यहाँ पे आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्यों चेंज हो गया है, यहाँ पे देखिए आपने फॉर्फिट किए 500 शेयर्स, तो ये जो 35,000 अमाउंट दिख रहा है आपको ये 500 शेयर्स का है,
और नंबर ऑफ शेयर्स जो रीइश्यूड हुई है जो 6,000 है ये 300 शेयर्स का है, तो आप डायरेक्ट डिफरेंस नहीं ले सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हेन शेयर्स नंबर ऑफ शेयर्स फॉफिटेड एंड नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड आर इक्वल, दोनों अगर सेम हैं तो आप डायरेक्ट डिफरेंस ले लीजिए। बट यहाँ पे क्वेश्चन में दोनों सेम नहीं है, आपने 500 शेयर्स फॉफिट किए बट रीइश्यूड आप 300 कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट डिफरेंस नहीं ले सकते हैं। तो क्या करना है, ये 300 शेयर्स का अमाउंट है रीइश्यूड अमाउंट, तो आपको इसको ये जो 35,000 है ना, ये 500 शेयर्स का अमाउंट है, आपको इसको अकॉर्डिंग टू द 300 एडजस्ट करना है। तो अगर 300 शेयर्स प्रॉफिट होते तो ये कितना होता, तो ये जो है 500 शेयर्स के लिए 35,000 है, तो 300 शेयर्स के लिए कितना होना चाहिए, तो ये 70 रुपीज़ पर शेयर है, तो 300 शेयर्स के लिए ये अमाउंट कितनी होनी चाहिए थी, 21,000। आप बोलोगे कैसे आया, तो सिंपल है, आपका ऐसा है कि दिस अमाउंट 35,000 जो है वो 500 शेयर्स का अमाउंट है, तो 300 का कितना हो गया, 35,000 डिवाइड बाय 500 इंटू 300 करेंगे तो आपको अमाउंट मिलेगी 21,000। ठीक है, 21,000, तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो 300 शेयर्स का 21,000 हो रहा है, यहाँ पे जो अमाउंट है वो 300 शेयर्स का 21,000 हो रहा है, तो 21,000 एंड 6,000 इन दोनों का डिफरेंस है ये 15,000। ठीक है, ये 15,000 कैसे आया आपका, 35,000 और 6,000 का डिफरेंस लिया आपने 15,000। ठीक है, मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ, ये आपने डायरेक्ट डिफरेंस क्यों नहीं लिया, रीज़न ये था कि ये 500 शेयर्स का अमाउंट है और ये 300 शेयर्स का अमाउंट है, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स सेम होने चाहिए और नंबर ऑफ़ शेयर्स सेम होने के लिए आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द 300 शेयर्स। तो 35,000 शेयर्स का, सॉरी 500 शेयर्स का अमाउंट 35,000 है, तो अगर मैं इसको अगर 300 शेयर्स के लिए कैलकुलेट करूँ तो मुझे 21,000 मिलेगा, तो 21,000 और 6,000 का डिफरेंस 15,000। तो ये आपको समझ गया, जब नंबर ऑफ़ शेयर कैंसल्ड और नंबर ऑफ़ शेयर्स रीइश्यूड में फ़र्क होता है तब इस सिचुएशन से आपको जाना पड़ता है, अदरवाइज अगर दोनों सेम है, नंबर ऑफ़ शेयर कैंसल्ड और नंबर ऑफ़ शेयर रीइश्यूड दोनों सेम है, तो आप डायरेक्ट डिफरेंस ले लीजिए। देन द नेक्स्ट, ये जो है यहाँ पे इशू है कि कोनार्क लिमिटेड, इन्होंने 50 इक्विटी शेयर इशू किए, 10 रुपये का एक शेयर है, ईच रुपीज़ एट कॉल्ड अप, मतलब ऐसा है कि 10 रुपये का शेयर्स है लेकिन कंपनी ने अभी तक पूरा 10 रुपीज़ नहीं मांगा है। आपको पता होगा 10 रुपीज़ का शेयर्स होता है तो कंपनी 10 रुपीज़ एक साथ डिमांड नहीं करती, कंपनी ने अभी तक सिर्फ 8 रुपये ही मांगा है, कॉल्ड अप मतलब अभी तक इतना पैसा कंपनी ने पब्लिक से डिमांड किया है, अपने शेयर होल्डर से उन्होंने अभी तक 8 रुपीज़ ही डिमांड की है, वो 8 रुपये में से एक शेयर होल्डर ने सिर्फ 5 रुपये पे किया है, मतलब वो लास्ट के 3 रुपीज़ पे नहीं करा, लास्ट के या मतलब 8 रुपये कंपनी ने डिमांड किया, उसने अभी तक 5 रुपीज़ ही पे किया है, मतलब उसने 3 रुपीज़ पे नहीं किया, तो वो कॉल्स इन एरेज हो गया, जो पेमेंट शेयर होल्डर से आपको नहीं मिल रही है उसको आप कॉल्स इन एरेज बोलते हैं, और वो 3 रुपीज़ पर शेयर है। तो अब देखते हैं, यहाँ पे ये शेयर्स आप प्रॉफिट कर रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो अब एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, नॉर्मली हम क्या करते हैं 15 into 10 करते हैं नॉर्मल केस में, लेकिन जब आपको क्लियरली मेंशन किया रहेगा कि शेयर्स पार्टली पेड अप है, पार्टली पेड अप है मतलब पूरा पैसा कंपनी ने अभी तक डिमांड नहीं किया है, तो इन दैट केस 15 into 10 नहीं होगा, अब वो होगा 15 into 8। ऐसा कब करना है, जब शेयर्स पार्टली पेड अप है या पूरा पैसा कंपनी ने अभी तक शेयर होल्डर से डिमांड नहीं किया है, तो यहाँ पे 15 into 8, सब समझ गए होंगे आप, 15 into 8 400। ऐसा क्यों किया, आप बोलेंगे हम प्रीवियस एग्जांपल में तो 10 से करते थे, प्रीवियस एग्जांपल में ऐसा नहीं मेंशन था कि 8 रुपये ही कॉल्ड अप किया है, यहाँ पे कंपनी ने शेयर होल्डर से अभी तक 8 रुपये ही मांगा है, 2 रुपये वो बाद में मांगेंगे, अभी तक वो पैसा उन्होंने मांगा नहीं है, ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो गया 400। ठीक है, कॉल्स इन एरेज आप देख रहे होंगे, कंपनी ने 8 रुपये डिमांड किया बट शेयर होल्डर ने सिर्फ 5 रुपीज़ पे किया है, सो कॉल्स इन एरेज इज 3 रुपीज़ पर शेयर और 50 शेयर्स हैं, तो कॉल्स इन एरेज हो गया 15 into 3 150, और ये जो शेयर फॉफिशर होता है इन दोनों का डिफरेंस होता है, अदरवाइज आप ऐसे भी देख सकते हैं उसने 5 रुपीज़ पे किया है, तो 15 into 5 is 250। सो ये क्लियर हो गया होगा आपको एंट्री, यहाँ पे चेंज क्या हुआ, 15 into 10 के बदले आपने 15 into 8 किया है, ये जरा अलर्ट रहना, ऐसा कब करना है, जब पार्टली पेड अप शेयर्स है, फुल्ली पेड अप शेयर्स नहीं है। उसके बाद सेम शेयर्स आपने 30 रुपीज़ का 7 रुपीज़ में रीइशू कर दिया,
₹7 में रीइश्यू कर दिया। ऑफ दीज 30 शेयर्स वेर रीइश्यूड, तो आपके इंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 30 × 7 = 210, 30 × 7 = 210, शेयर फॉरफिशर डेबिट ₹30, और शेयर कैपिटल अभी वो ₹8 ही रहेगा, वो 10 नहीं जाने वाला है जब तक ये फुल्ली पेडअप नहीं होता है। तो शेयर कैपिटल हो गया आपका 30 × 8, यहाँ पे ध्यान देना ये 30 × 8 = 240, बैंक अकाउंट डेबिट ₹7 में रीइश्यू किया तो 30 × 7 = 210, और जो दोनों का डिफरेंस है ₹30 वो आपका जाएगा शेयर फॉरफिशर में। ठीक है, शेयर कैपिटल नॉर्मल केस में रीइश्यू में आप 30 × 10 करते हैं, बट यहाँ पे आप 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 30 × 8 = 240, रीइश्यू में कितने में किया ₹7 में तो 30 × 7 = 210, और दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ये ₹30 आपका शेयर फॉरफिशर गया। अब नॉर्मल केस में आप 250 और ₹30 का डिफरेंस यहाँ ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे फिर से वही प्रॉब्लम आ गई, आपने 50 शेयर्स फॉरफिट किए लेकिन रेशियो 30 किए, तो आप डायरेक्ट डिफरेंस नहीं ले सकते हैं जैसे अभी हमने आपसे बात की थी। तो आपको इसको अरेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रीइश्यूड अमाउंट, रीइश्यूड नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये 50 शेयर्स का अमाउंट है और रीइश्यूड 30 है, तो इसको 30 के हिसाब से अरेंज कीजिए। ये 50 शेयर्स के लिए 250 है, तो 30 शेयर्स के लिए कितना होना चाहिए, 250 है वो 50 शेयर्स के लिए, तो एक शेयर का ₹5 हो गया। तो अगर आप 30 शेयर्स की बात करेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा 150। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे किए मैंने, 250 for 50 shares, सो फॉर 30 शेयर्स इट विल बी 150। तो 150 यहाँ पे 150 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया, सो दिस डिफरेंस इज 120, 150 माइनस 30 इज 120, और आपको पता है शेयर फॉरफिशर टू कैपिटल रिजर्व होता है। सो दिस वे ये तीनों टाइप समझ गए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, ध्यान में रखना ₹8 कॉल्ड अप रहेगा तो 8 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ओके यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, सो आई होप आपको समझ गया होगा, थैंक यू।